बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश सीखने के लिए क्रिकेट अपडेट और मजेदार ब्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टुडे फाइंड्स टेबल वर्ल्ड कप 2023 आफ्टर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। तो आज का मैच इंडिया ने जीत लिया है। डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो इंडिया ने यह मैच 4 विकेटों से जीत लिया है। तो कौन सी टीम सरफहरिस्त आ गई है पॉइंट्स टेबल पर? तो सबसे पहले जो सरफहरिस्त आ गई है वो है इंडिया, जो कि इंडिया ने 5 मैच खेले और 5 ही जीते। इंडिया के 10 पॉइंट्स है और इंडिया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड, जिन्होंने 5 मैच खेले, 4 जीते और 1 लॉस्ट किया, तो 8 पॉइंट्स है न्यूजीलैंड के। उसके बाद तीसरे नंबर पर है साउथ अफ्रीका, जिन्होंने 4 मैच खेले, 3 जीते और 1 लॉस्ट किया, तो 6 पॉइंट्स है साउथ अफ्रीका के। चौथे नंबर पर है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैच खेले, 2 जीते और 2 लॉस्ट किए, तो 4 पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पाकिस्तान ने 4 मैच खेले जिसमें से 2 जीते और 2 लॉस्ट किए, तो पाकिस्तान के भी 4 पॉइंट्स हैं। और बांग्लादेश के भी 4 मैच खेले और 1 जीता, 3 लॉस्ट किए, तो बांग्लादेश के हैं 2 पॉइंट्स। नीदरलैंड ने 4 मैच खेले, 1 जीता, 3 लॉस्ट किए, उसके भी हैं नीदरलैंड्स के भी 2 पॉइंट हैं। अब आ जाते हैं 8वें नंबर पर श्रीलंका। श्रीलंका ने 4 मैचेस खेले और उसमें से 1 जीता और 3 लॉस्ट किए, तो श्रीलंका के भी 2 पॉइंट्स हैं। और इंग्लैंड ने 4 मैचेस खेले, 1 जीता और 3 लॉस्ट किए, तो इंग्लैंड के भी 2 पॉइंट्स हैं। और आ जाते हैं अफगानिस्तान, जो खिला अफगानिस्तान ने 4 मैच खेले, 1 जीता और 3 लॉस्ट किए, तो अफगानिस्तान के भी 2 पॉइंट है। इसका मतलब कि सरफहरिस्त है इंडिया 10 पॉइंट्स के साथ। तो देखते हैं वर्ल्ड कप कौन जीता है। टॉप 5 टीम भी आपके सामने है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। सब्सक्राइब करें, इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। आपकी सब्सक्राइब करना बहुत अहमियत रखते हैं और आपकी सपोर्ट चाहिए गाइस, कमेंट्स भी करें, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।